हाय गाइस, माय सेल्फ विष्णु शर्मा और शर्मास फैब्रिक की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग सभी जानते हैं हमारा रेमंड का एक्सक्लूसिव शोरूम है, तो आज हम लोग इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं कि टाई कैसा बनता है। जी हां दोस्तों, नेक टाई कैसे बनती है ये हमारे पास बहुत ही डिमांड आई है। कई व्यूअर्स ने हम लोगों को बोला कि आप प्लीज हमें दिखाएं, तो आज हम लोगों को एक बेसिक तरीका हम आपको दिखाएंगे कि टाई कैसे बनती है। और दूसरा तरीका हमारे साथ रहेंगे राम जी, वो आपको बताएंगे, बहुत ही नया डिजाइन बताएंगे आपको कि कैसे टाई बनती है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास टाई है। सिंपल टाई बनाने का तरीका मैं दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। ये बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि गाइज अभी फेस्टिवल सीजन है, दिवाली आ रही है, शादी का सीजन भी आ रहा है, तो टाई आप लोगों को वियर करनी ही पड़ेगी। तो आप देखिए एक बार, इसका जो छोटा वाला विड्थ है ये इधर रखना है, ये लंबा वाला लटकाना है, ये देख लीजिए पीछे लेना है, फिर एक फोल्ड अंदर से डालना है, देखिए, फिर एक फोल्ड इधर से लेके पूरा टर्न लेके ये इधर से ले लिया हमने। अब इसको पूरा घुमाना है, 360 डिग्रीज पे घुमाना है, फ्रंट से लेके और फिर पीछे से लेके आगे लेना है। और ये जो टाई हमारा बन गया है गाइस, ये देख सकते हैं, ये डबल नोट का टाई है। ये मेरा फिट अभी मैं लगा नहीं रहा हूँ, पर ये देख सकते हैं ये टाई है, नोट देख लीजिए, और इसको आप ऐसे निकाल नहीं सकते हैं। ये आप प्लीज दिखा दीजिए हमारे व्यूअर्स को, ये डबल नोट का टाई है, इसको डबल नोट बोलते हैं, एक सिंगल नोट का भी बनता है। तो आप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप वीडियो को रिकैप करके भी देख सकते हैं। अब हमारे साथ राम जी हैं, ये आपको नया तरीका बताएंगे कैसे टाई बनता है, तो प्लीज राम जी आप दिखाएं सबको। तो गाइस देखिए, ये हमारा टाई बन के तैयार हो गया है। ये तरीका आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा आज तक। ये देखिए, ये भी डबल नोट का जो है बनाया गया है, तो आप देख सकते हैं। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारे व्यूअर्स को ये वाला जो तरीका है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, तो इसी जो वे है उसी को मैं आपको एक बार और बना के दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए, ये टाई है हमारे साथ, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप देख सकते हैं, हर कोई आपको बताएगा नहीं। तो ये देख सकते हैं, इस टाई को हमने एक फोल्ड इधर से ले लिया है, देखिए आप, और दूसरा फोल्ड जो रहेगा हमारा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, आप देख सकते हैं। अब जो तरीका है, अब ये हैंड का मूवमेंट आप मेरा नोटिस करिएगा, हैंड का मूवमेंट रहेगा हमारा ऐसे, और ये वाला जो पोर्शन है मैं वापस इसको ले रहा हूं इधर, और ये आप देख सकते हैं, अब इसको स्ट्रेच करना पड़ेगा, ये स्ट्रेच हो गया है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा टाई बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा व्यू, कैसा मैंने टाई बनाया है, कैसा मेरे पे लग रहा है। गाइस प्लीज आप कमेंट करके बताएं कि मैं टाई में कैसा लग रहा हूं थोड़ा सा। थैंक यू। कॉलर मैं थोड़ा सा नीचे कर, तो गाइज आप देख सकते हैं टाई हमारा तैयार हो गया है, और मेरा लुक भी आप देख सकते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ सूट पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि राम जी ने जो तरीका बताया है वो आपको अच्छा लगा होगा, और जो मैंने भी बेसिक जो बताया है आपको, तो वो आपके यूजफुल बहुत होने वाला है। बेसिक सा वीडियो है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, पर उम्मीद करता हूँ कि ये यूजफुल रहेगा वीडियो। और अगर अच्छा लगे आपको ये वीडियो, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।